गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9 के सभी स्टूडेंट्स का मैं मुनीलाल सर अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की कहानी सुनाई थी और उसका एक्सप्लेनेशन भी किया था, जो कि पूरी नहीं हुई थी। तो आज हम लोग उसी का सेकंड लेक्चर देखेंगे। जो स्टूडेंट्स कल का वीडियो नहीं देख सके थे, वे अवश्य देख लें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहले फर्स्ट पार्ट को देखें, तभी आपको सेकेंड पार्ट समझ में आएगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था यह जो द एडवेंचर्स ऑफ टोटो यह जो टाइटल है, यह रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। मैंने बताया था कि रस्किन बॉन्ड एक वेल नोन एंग्लो इंडियन राइटर्स हैं और उन्होंने यहाँ पर एडवेंचर्स ऑफ टोटो का मतलब, जैसा कि होता है एडवेंचर्स मतलब साहसिक कार्य को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर टोटो चूंकि एक बंदर है तो उनकी द्वारा जो उस टोटो के द्वारा जो शरारत किया जाता था, जो बदमाशी की जाती थी उनके द्वारा, उसी का यहाँ पर रस्किन बॉन्ड ने वर्णन किया है। और इस स्टोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटो को उनके ग्रैंड फादर ने एक टोंगा ड्राइवर से 5 रुपये में खरीदा था और उसे अपने प्राइवेट जू में ले आया था। प्राइवेट जू यानी ग्रैंडफादर अपने जू में बहुत सारे जानवरों को रखा करते थे, वे जानवरों के शौकीन थे। तो टोटो को भी ले आए और अब टोटो को प्राइवेट जू में लाने के बाद क्या कुछ हुआ, उसी का वर्णन है इस पूरी कहानी में। तो कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि दादाजी यानी ग्रैंडफादर जो थे नैरेटर के, उन्हें सहारनपुर जाना था, ठीक है। ये देहरादून में रह रहे थे तो देहरादून से उनके ग्रैंडफादर को जाना था सहारनपुर। क्यों जाना था? तो टू कलेक्ट पेंशन, पेंशन मिला करता था उनको, तो पेंशन कलेक्ट करने के लिए ग्रैंडफादर को सहारनपुर जाना था, ठीक है। तो अब चूंकि टोटो इतना मिस्चीवस था, इतना शरारती था कि उसे घर पर छोड़ना यानी जू में छोड़ देना उचित नहीं था, क्योंकि एक रात ग्रैंडफादर ने उसे छोड़ दिया था प्राइवेट जू में। तो ग्रैंडफादर ने देखा कि वहां के किसी भी जानवरों को वह सोने नहीं दिया रात भर, इतना शैतान था वह टोटो। इसलिए ग्रैंडफादर ने सोचा कि इसे मैं साथ लिए चलता हूं, ठीक है। तो सहारनपुर भी उनको ले जाते हैं ग्रैंडफादर अपने साथ। अब कैसे ले जाते हैं, यहां से आज हम लोग शुरुआत करेंगे और जानेंगे। अनफॉर्चुनेटली से आज स्टार्ट होने वाला है वीडियो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आप आज ही मेरे चैनल से जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जब कभी भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आप उनको देख सकें। और एक रिक्वेस्ट होगा आप सारे स्टूडेंट से कि जब भी आप वीडियो को देखें
तो पूरा देखें, क्योंकि ये लिटरेचर है, फॉरेन लैंग्वेज है डियर स्टूडेंट्स। आप 2 मिनट या 4 मिनट देख करके कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। आप इस वीडियो को बार बार देखें, यदि आपको समझ में नहीं आया तो फिर से आप रिवर्स करके उनको देख सकते हैं, और पूरा देखिए वीडियो को। एक एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूं, और जहां पर लगता है कि ये वर्ड आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है तो मैं उसका हिंदी में भी एक्सप्लेनेशन करता हूं, उसका हिंदी मीनिंग भी बताता हूं, और जहां पर कुछ ग्रामेटिकल टर्म आता है, जरूरत यदि लगती है कि मैं यहां पर एक्सप्लेन करना चाहिए तो मुझे, मैं उसे भी एक्सप्लेन करता हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लापरवाही ना करें। लॉकडाउन में यही आपका एकमात्र सहारा है, और इसी के बल पर आपको एग्जामिनेशन भी फेस करना पड़ेगा, जिस तरह से सिचुएशन देश में है। अभी उम्मीद नहीं है कि स्कूल आपका निकट भविष्य में खुलेगा, तो इसलिए बी केयरफुल एंड वॉच द वीडियो केयरफुली। एंड एक काम और करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स को शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें और कमेंट भी करें। कमेंट में आप लिखें कि वीडियो आपको अच्छा लगा, और नहीं लगा तो क्या चीज की कमी रह गई, क्या डिफिकल्टी आपने फेस की, उसे भी आप कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं उस डिफिकल्टी को एकदम जितनी मेरी कैपेबिलिटी है, जहां तक मेरे से हो सकता है, मैं उनको रिजॉल्व करने का भरसक प्रयास करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व योर प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ज्यादा बातें करना उचित नहीं, आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अनफॉर्चुनेटली से बी रेडी, आप लोग अब बिल्कुल केयरफुली एक एक वर्ड को सुनेंगे। अनफॉर्चुनेटली, ये एडवर्ब है, इसको आप बोलेंगे दुर्भाग्यवश, बदकिस्मती से उर्दू में यदि कहा जाए तो। आई कुड नॉट एकम्पनी, एक शब्द हो सकता है, इसे तो नया नहीं है लेकिन आप लोग भूलते हैं, इसलिए मैं फिर बोल देता हूं। ए कंपनी का मतलब साथ में जाना, किसी के साथ जाना, उसको ए कंपनी कहते हैं। तो आई कुड नॉट ए कंपनी ग्रैंड फादर, मैं ग्रैंड फादर के साथ नहीं जा सका ऑन दैट ट्रिप, उस यात्रा पर। यहां राइटर नरेटर किस यात्रा की बात करते हैं, मैंने पहले बताया था आपको कि ये जो ग्रैंड फादर है ना, वो सहारनपुर जाने वाले हैं। तो सहारनपुर की यात्रा पर केवल उनके ग्रैंड फादर गए, नरेटर नहीं गए। अब ये बता रहे हैं अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, शायद कुछ जो है इनके साथ प्रॉब्लम रहा होगा जो कि ये नहीं जा सके। तो चलिए, अब करना क्या है आप लोगों को, इससे आगे आपको ध्यान देना है, और भी जो भी डिफिकल्ट वर्ड आएगा मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। इसी तरह आप वॉचफुली केयरफुली आप देखेंगे, अटेंटिवली। ग्रैंड, अब देखो, बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, यानी टोटो ने रास्ते में, उस ट्रिप में, यात्रा में, जर्नी में क्या क्या कमाल किया, क्या क्या शरारत की, ये कैसे पता चला लेखक को, उनके ग्रैंड फादर ने ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। नरेटर कहते हैं मेरे दादाजी ने क्या किया, बताया मुझे इट अबाउट इट, इसके बारे में, यानी जो कुछ भी टोटो ने शरारत की उसके बारे में। कब बताया, आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स मतलब बाद में, बाद में बताया। कब बाद में, यानी जब लौटे यात्रा करके, वापस जब आ गए देहरादून ग्रैंड फादर, तब उन्होंने राइटर को सुनाया कि क्या क्या इसने शरारत की थी रास्ते में। अब यहां पर डियर स्टूडेंट्स बताया जा रहा है, देखो बंदर को ले जाना है ना, तो बंदर को कैसे ले जाया जाएगा, अ बिग ब्लैक कैनवास कीट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो।
उस टोटो के लिए कहता है एक बड़ा सा और काला सा कैनवास किट बैग, कैनवास का, कैनवास होता है मोटा कपड़ा, जो आप लोग अपने बैग को देख लीजिए वही है कैनवास। स्कूल बैग जो आपका बनता है वो कैनवास से ही बनता है, तो उसी को किट बैग भी कहते हैं। ठीक है, जिसको आप लेकर के साथ में चलते हो, स्कूल जाते हो जिस बैग को लेकर, उसी तरह का एक बड़ा सा बैग, आप लोगों के बैग से थोड़ा सा बड़ा बैग, ताकि उसमें वो टोटो समा सके, अट सके। प्रोवाइडेड मतलब उपलब्ध कराया गया, पैसिव वॉइस है, वाज प्रोवाइडेड भी थ्री है ये, प्रोवाइड मतलब होता है उपलब्ध कराना, इसका भी थ्री है, उपलब्ध कराया गया टोटो के लिए। क्या उपलब्ध कराया गया? तो एक बड़ा सा कैनवास का बना हुआ किट बैग, दिस विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोड। और कहता है यह क्या है, यानी ये जो किट बैग बनाया गया ये वाला, उसी के लिए यहाँ दिस आया, विथ सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, यानी यह बैग जिसके बॉटम में, जिसके नीचे में कुछ स्ट्रॉ रखा गया था, स्ट्रॉ कहते हैं पुआल को, ठीक है, ये पुआल रख दिया गया नीचे बैग के नीचे, और दिस बिकेम हिज न्यू अबोड, यह बन गया, बिकेम हो गया उसका न्यू अबोड, नया घर, अबोड प्लेस, यह नई जगह यानी रहने का, यही क्या बन गया, घर बन गया टोटो का। टोटो को यात्रा के दरमियान इसी बैग में रहना था, ये कहा यहाँ पर, और उस बैग में नीचे में पुआल दे दिया गया था ताकि वो अच्छे से बैठ सके, सो सके। When the bag was closed, कहता जब बैग बंद कर दिया जाता था, there was no escape, तो उससे बाहर निकलने का, एस्केप मतलब बाहर निकलने का मार्ग, बाहर निकलने का रास्ता, तो उससे कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं बचता था, पूरी तरह से बैग बंद हो जाता था। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, और कहता है टोटो अपने हाथों को भी बाहर नहीं निकाल सकता था किसी ओपनिंग से, किसी छिद्र से या किसी दरवाजे से, कोई दरवाजा उसमें खुला नहीं था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कहता है कैनवास जो है इतना स्ट्रॉन्ग था ना, वॉज टू स्ट्रॉन्ग मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज्यादा मजबूत था यह कैनवास, ठीक है, कि टोटो जो है उसको बाइट करके, यानी दांत से काटना, बी आई टी, बाइट मतलब होता है दांत से काटना, तो टोटो जो है उस कैनवास बैग को दांत से काट करके भी कहता है वह बाहर नहीं आ सकता था, ये बाइट है दांत से काटना, ठीक है, तो बाइट हिज वे थ्रू, ठीक है, तो बाइट हिज वे थ्रू मतलब दांत से काटकर अपना रास्ता बनाना, तो बैग कैनवास इतना मोटा था, स्ट्रॉन्ग था कि वह दांत से काट करके अपना रास्ता नहीं निकाल सकता था, अर्थात टोटो किसी भी तरह से बैग से बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor. अब कहता है जब कभी भी एफर्ट करता, एफर्ट मतलब प्रयत्न, कोशिश, किस बात की कोशिश, टू गेट आउट, बाहर आने की, तो बाहर आने की कोशिश से क्या होता, ओनली हैड द इफेक्ट, केवल इतना इफेक्ट होता ऑफ मेकिंग द बैग रोल अबाउट ऑन द फ्लोर, क्या होता कि बैग जो है फर्श पे रोल अबाउट होता, यानी लुढ़कने लगता था, जब शरारत करता था टोटो बैग के अंदर बाहर निकलने की कोशिश करता तो बैग लुढ़कने लगता था ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ये फ्लोर आप लोग जानते ही हैं, और ऑकेजनली, और कभी कभी, ऑकेजनली बीच बीच में जंप, ऑकेजनली
बीच बीच में कभी कभी जंप इंट हो गया, वह बैग हवा में उछाल मारता था, ठीक है, उछल जाता था बैग को। तो अब सोचो जरा प्लेटफॉर्म पर यदि आपका बैग हवा में उछल जाए तो आश्चर्य की बात है ना। तो एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑन लुकर्स ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। देख लो तो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर कहता है क्या हो गया, एन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन कहते हैं शो को, यानी जिसको प्रदर्शनी भी कहते हो, ठीक है, एक तमाशा समझो। दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड, जिसने क्या किया, आकर्षित कर लिया क्या, जिज्ञासु भीड़ को, क्यूरियस क्राउड, लोग जानने के लिए इकट्ठे हो गए, भीड़ लग गई लोगों की, क्या, ऑफ ऑन लुकर्स, ऑन लुकर्स मतलब तमाशबीन, जो तमाशा देखने आते हैं, ऑन देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म। ये घटना कहां पर हुई, देहरादून का जो रेलवे प्लेटफॉर्म, ढेर सारे लोग इकट्ठे हो गए कि भाई ये बैग क्यों उछल रहा है इनका। टोटो रिमेंड इन द बैग, कहता है टोटो बैग के अंदर ही रहा। एज फॉर एज सहारनपुर, कहां तक रहा, सहारनपुर तक। बट वाइल ग्रैंडफादर वाज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नस्टाइल, टोटो सडनली पोक्ड हिज हेड आउट ऑफ द बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर अ वाइट ग्रीन। ठीक है, अब कहता है जैसे ही उस सहारनपुर का जो प्लेटफॉर्म होता है, देखो आप प्लेटफॉर्म जब पहुंच जाते हो तो प्लेटफॉर्म से क्या होता है, जब आप बाहर निकलते हैं तो बाहर के गेट पर जो है ना टीटी खड़ा रहता है, वह क्या करता है, टिकट चेक करता है, ठीक है। तो जैसे ही सहारनपुर के रेलवे प्लेटफॉर्म से बाहर निकल रहे थे तो वहां क्या कर रहे थे, ग्रैंडफादर प्रोड्यूसिंग हिज टिकट, प्रोड्यूस करना मतलब यहाँ दिखाना, ठीक है, अपना टिकट दिखा रहे थे एट द रेलवे टर्नस्टाइल। कहाँ पर, रेलवे के टर्नस्टाइल, टर्नस्टाइल एक विशेष प्रकार का गेट होता है, आपको मैं दिखाता हूं थोड़ा सा नजारा, देखिए ये है टर्नस्टाइल। इसमें क्या होगा कि एक समय पर एक ही आदमी जा सकता है, उसके बाद ये बंद हो जाता है, ये चारों तरफ जो है ना इस तरह से गेट लगा हुआ है, ये आप ठेल करके अंदर जाओगे फिर ये वाला पोर्शन आके यहाँ लग जाएगा, तो ये टर्न स्टाइल इसको बोलते हैं, ठीक है, घूमने वाला गेट है, एक साथ एक ही आदमी जाएगा इसमें, इसलिए इसको टर्न स्टाइल बोला गया, ठीक है। चलिए उसके बाद तो टर्न स्टाइल पर जब टिकट दिखा रहे थे, टोटो सडनली पोक्ड हिज, तो हुआ क्या, देखिए टोटो अकस्मात पोक्ड हिज हेड, पोक हिज हेड मतलब अपना सर, अपना जो सर है टोटो ने वह बैग में से बाहर निकाल लिया। एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइट ग्रीन, और टिकट कलेक्टर को देख करके दांत किटकिटा दिया, यानी मुस्कुरा दिया किटकिटा के, ठीक है, बंदर टिकट कलेक्टर को देख करके मुस्कुराने लगा। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विथ यू। अब टिकट कलेक्टर ने जो सर देखा बंदर का, दांत जो देखा ना, तो उनको समझ में पता नहीं आया कि नहीं आया कि ये मंकी है कि डॉग है। तो उसने क्या किया, द पुअर मैन, यहाँ कहा गया किसको, उस टिकट कलेक्टर को, वॉज टेकन अबैक मतलब हुआ हैरान रह गया, अचंभित रह गया बैग में जो टोटो है उसे देखकर, और कहता विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड, और बड़ी हाजिर जवाबी दिखाता हुआ, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है, क्या किया, एंड मार्च टू ग्रैंडफादर्स एनॉयंस, और ग्रैंडफादर की के गुस्से के बावजूद, एनॉयंस मतलब एंगर, ग्रैंडफादर गुस्से में थे जरा,
क्यों? आगे पता चलेगा क्यों गुस्सा में आ गया। He said, "Sir, you have a dog with you." देख लो, टिकट कलेक्टर ने कहा सर आपके साथ एक कुत्ता भी है और यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। देख लो, कहा नियम के अनुसार, अकॉर्डिंगली नियमानुसार क्या करना होगा, आपको इस कुत्ते का भी भाड़ा देना पड़ेगा। अब बताओ गुस्सा होगा ना, कुत्ता तो बेचारे के पास है नहीं, क्योंकि मंकी है और मंकी को उन्होंने क्लासीफाई कर दिया कि भाई ये डॉग है। तब तो दादाजी ने सोचा चलो इसको दिखा देते हैं कैसे कह रहा है कि ये डॉग है। इन वैन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। लेकिन टोटो को बैग से बाहर निकालना इन वैन कहता इन वैन बेकार, यानी बेकार ही ग्रैंडफादर ने टोटो को बैग में से बाहर निकाला। क्यों? और इन वैन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट ए मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग और इवन एज ए क्वाड्रप। देखो, और टोटो ये ग्रैंडफादर ने बेकार ही कहता है, उनसे बहस की टिकट कलेक्टर से। क्या बहस की जानते हैं? कि मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग। क्या? ही ट्राई टू प्रूव, उसने कोशिश कर मतलब की या सिद्ध करने की कि भाई आप मंकी को, बंदर को किसी तरह से कुत्ते की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं। बंदर अलग है, कुत्ता अलग है, आप कुत्ते का दर्जा एक बंदर को कैसे दे सकते हैं? और इवन एज ए क्वाड्रप्ट, और का ना ही आप इसको क्वाड्रप्ट मान सकते हैं। क्वाड्रप्ट होता है फ्रेंड्स चार पाया जानवर जिसमें चार पैर होते हैं, ठीक है, चौपाया जानवर। तो कहा आप बंदर को चौपाया जानवर में भी क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्लासीफाई नहीं कर सकते। टोटो वाज क्लासीफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर, लेकिन टिकट कलेक्टर ने नहीं माना और टोटो को डॉग ही माना गया, डॉग की श्रेणी में उसको गिन लिया गया। अब डॉग की श्रेणी में गिना गया तो डॉग का भाड़ा लगेगा। एंड ₹3 वॉज द सम हैंडेड ओवर एज हिज फेयर, और दादाजी को उस टोटो का फेयर के रूप में, फेयर मतलब किराया, भाड़ा, ठीक है, तो भाड़ा के रूप में कितना देना पड़ा? ₹3, ₹3, ठीक है, दशम, सम मतलब अमाउंट, राशि, ₹3 की राशि हैंडेड ओवर दी गई, दादाजी ने दे दिया ₹3 टिकट कलेक्टर को। किस लिए दिया? टोटो का किराया। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टोक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टवाइज एंड सेड। अब देखो ग्रैंडफादर को थोड़ा गुस्सा आ गया तो कहता है जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक। जब ग्रैंडफादर ने तब क्या किया, अपने बैग के पास गया और टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टर्टवाइज, जो हमारा पालतू था, यानी जो नरेटर का पालतू था एक टर्टवाइज था छोटा सा कछुआ, वह जेब से निकाल ली दादाजी ने। एंड सेड, और कहा, इससे कोई टिकट कलेक्टर से एक कछुआ निकाला जेब में से और कहा व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस। क्या कहा कि बताइए ना इसका कितना भाड़ा दे दूं मैं, इस कछुए का भी भाड़ा ले लो तुम, सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स। देखिए एक तरह से उनको उसके ऊपर व्यंग किया, ताना मारा उनको, कहा कि आप तो बड़े होशियार हो, हर जानवर का किराया लेते हो ना, चार्ज मतलब किराया लेना, भाड़ा लेना, तो आप तो हर जानवर का चार्ज लेते हो, बता दो इस टर्टवाइज का भी कितना देना पड़ेगा, कुछ की नहीं देना पड़ेगा, कितना दे दूं इसका बोलो। देन टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टर्टवाइज, और टिकट कलेक्टर ने बड़ी क्लोजली, बड़ी ही मतलब नजदीक से, बड़े ध्यान से, गौर मतलब क्या कहते हैं उसको, गौर से देखा टर्टवाइज को। प्रोड्यूस्ड इट विथ हिज फोर
प्रोडेडिट है, प्रोडेड मतलब सहलाना, ठीक है, अपनी उंगलियों से इसको सहलाया और गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फंट लुक, और दादाजी को देखकर, ग्रैंडफादर को देखकर कि वह मुस्कुराया एंड सेड नो चार्ज, कहा इसका कोई चार्ज नहीं, क्यों, इट इज नॉट ए डॉग, क्योंकि यह कुत्ता नहीं है। आप सोच सकते हैं बंदर तो कुत्ता नहीं, इनका भाड़ा ले लिया, लेकिन का ये डॉग नहीं है, इसका भाड़ा नहीं लगेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस पैराग्राफ को कंप्लीट करने के बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। When Toto was finally accepted by grandmother, अब नरेटर अपने घर की बात कर रहे हैं। अब ग्रैंडफादर आ चुके हैं सहारनपुर से देहरादून वापस। तो when Toto was finally accepted by grandmother, कहता है अंत में फाइनली, अंततः, ठीक है, फाइनली यदि एडवर्ब है तो अंततः, टोटो को जब एक्सेप्ट कर लिया गया, यानी टोटो को जब मान लिया गया, स्वीकार कर लिया गया, किसके द्वारा, ये देखो पैसिव वॉइस यूज हुआ, बाय ग्रैंडमदर, ग्रैंडमदर के द्वारा, टोटो को पता है ना ग्रैंडमदर पहले काफी गुस्से में थी उस टोटो को देखकर, लेकिन कुछ दिनों के बाद ग्रैंडमदर ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अपने घर का एक मेंबर मान लिया टोटो को, तब फिर क्या हुआ, ही वॉज गिवन ए कंफर्टेबल होम इन द स्टेबल, उसको आरामदायक रहने की जगह मिली, कहाँ पर, स्टेबल, स्टेबल कहते हैं घुड़साल को, जहाँ पर घोड़े वगैरह बांधे जाते हैं उसको स्टेबल कहते हैं, स्टबल भी हिंदी में कहते हैं उसको, तो वहाँ पर आरामदायक जगह उसको मिली रहने के लिए। Where he had for a companion the family donkey Nana, वहाँ कहता है उनका एक companion, एक साथी था, कौन था साथी, family donkey, परिवार का एक donkey था जिसका नाम है Nana। On Toto's first night in the stable, अब देखो Toto का जो पहली रात थी अस्तबल में, Toto की उस पहली रात पे क्या हुआ, ग्रैंडफादर पेड ही अभिजीत टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल, पहली रात थी ना उस दिन, टोटो को पहली रात वहां गुजारनी थी, तो ग्रैंडफादर एक बार गए, ऐसे ही विजिट किया उन्होंने, देखने के लिए गया कि क्या हुआ, ठीक से है कि नहीं, आराम से रह रहा है कि नहीं टोटो। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट अपेरेंट कॉज pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. क्या किया, अब देखो ग्रैंडफादर को बड़ा सरप्राइज हुआ, तो ही सरप्राइज मतलब वे चौंक गए, अचंभित रह गए, क्यों, ही फाउंड नाना, उसने नाना को देखा, विदाउट अपेरेंट काउज, बिना किसी स्पष्ट कारण के, अपेरेंट मतलब स्पष्ट, क्लियर काउज रीजन, क्या देखा, पुलिंग एट हर हॉल्टर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, तो टोटो उसको क्या किया था, उसका जो हॉल्टर होता है, हॉल्टर गले में जो एक रस्सी होती है, या कहो लगाम आप इसको, रीन घोड़े में, या यहाँ पर तो ये गधी है, डंकी नाना, एक्चुअली ये फीमेल डंकी है, तो उसका लगाम पकड़ करके, खींच करके टोटो ने उसको क्या किया था, ऊपर उठा रखा था, एंड हर एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम बंडल ऑफ हे, क्या कर रहा था टोटो, उसका हेड पकड़ के, ये हॉल्टर पकड़ करके, लगाम पकड़ करके कोशिश कर रहा था कि उसका सर जो है इतना हम ऊपर उठा लें एज फार एज पॉसिबल फ्रॉम ए बंडल ऑफ हे, ताकि वह जो हे का बंडल रखा है, कहते हैं चारा को, ठीक है, जो घास आदि रखा हुआ है खाने के लिए,
किसके लिए? ये नाना डंकी के लिए, ताकि वह खा नहीं सके उसको, ठीक है, लगाम पकड़ के उसका उठा के रखा था हिंद। तो ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेज। अब ग्रैंडफादर ने क्या किया, उस नाना के हॉन्चेज पर एक स्लैप, एक झपड़, एक थप्पड़ जड़ा, ठीक है। हॉन्चेज, हॉन्चेज मतलब जांघ इसको कहा जाता है, ठीक है। तो इस जंघा पर एक झापड़ मारा उस नाना की जंघा पर, एंड शी जर्क्ड बैक, और वह झटके से वापस नीचे आई, यानी सर अपना नीचे जब किया तो ड्रैगिंग टोटो भी था, तो साथ में टोटो को भी उसने घसीट लिया। ही हैड फास्टेंड ऑन टू हर लॉन्ग ईयर्स विथ हिज शार्प लिटिल टीथ। अब देखो टोटो ने क्या किया था, फास्टेंड ऑन टू हर, उस पर अपनी पकड़ बना ली थी, उसको जकड़ लिया था। कैसे? उसके जो लंबे लंबे कान थे ना टंकी के, उसको पकड़ लिया था, जकड़ लिया था विथ हिज शार्प लिटिल टीथ, अपने तीक्ष्ण शार्प तीक्ष्ण और लिटिल टीथ छोटे छोटे दांतों से। यानी टोटो ने अपने छोटे लेकिन तीक्ष्ण दांतों से उनके कानों को जकड़ लिया था। देखो कितना शरारती था। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। कहता है टोटो और नाना में कभी दोस्ती नहीं हो सकी। तब तो डियर फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं रोकता हूँ। काफी लंबा हो जाने के बाद आप लोगों को भी परेशानी होती है देखने में, इसलिए मैं इसको और एक पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है। ये मेरा सेकेंड पार्ट था इस लेसन का, और थर्ड पार्ट में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको एक बार फिर मैं याद दिला दूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स को यह वीडियो शेयर करें, लाइक करें, और ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट करके भी बताएं, अपना फीडबैक दें कि वीडियो आपको कैसा लगा। विद दिस वी कम टू एंड ऑफ टुडेज लेक्चर। टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।